अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूँ सबा की रहना। चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानेब। शहरियों की लापरवाही से लाहौर में कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटों में मजीद 671 मरीज रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल में कोरोना वायरस से मुख्तस बेड कम पड़ गए। जिन अस्पताल में मजीद 50 बेड्स मुख्तस करने का फैसला। न्यू अस्पताल में वेंटिलेटर्स कम पड़ गए। वायरस से महफूज रहना है तो SOPs पर अमल करना होगा। मुल्क में कोरोना वायरस बेकाबू। 24 घंटों में 61 अफराद जान की बाजी हार गए। 3495 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 43 अफराद दम तोड़ गए। 1824 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। लाहौर में जिले इंतजामिया की कार्रवाइयां। 48 दुकानें, स्टोर और शादी हाल को सील कर दिया। 10,000 रुपए जुर्माने भी किए। लोधड़ान में 4 क्लॉथ हाउसिंग सील, 3 को जुर्माने, 1 दुकानदार गिरफ्तार। महंगाई का जिन काबू से बाहर। यूटिलिटी स्टोर पर भी एशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आटा, घी, चीनी, दालों की कीमतें आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। दाल चना की कीमत में 15, घी 7 रुपए किलो मजीद महंगा 252 रुपए फी किलो हो गया। चीनी लेने के लिए महीने का राशन खरीदना जरूरी हो गया। हुकूमती बेबसी या नाअहली। महंगाई में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड होने लगा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 22 रुपये इजाफा, 299 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। फैसलाबाद में 2 दिन में कीमतों में 60 रुपये इजाफा, 328 रुपये हो गया। अंडे 167 रुपये फ़ी दर्जन। तोनसा शरीफ में आटे की शदीद किल्लत। आटा खरीदने के लिए लोगों का राशन। शहरी कोरोना SOP से लापरवाह। सुबह से बैठे हैं, हमें आटा नहीं मिल रहा। सरकारी आटा ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों की दुहाई, वजीर आला पंजाब नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर में कूड़े की कहानी वही पुरानी। गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर ताहाल मौजूद। हुकूमती दावे वादे सब गंदगी तले दब गए। बदबू और ताफुन से शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया। मरियम नवाज की मुश्किलात में मजीद इजाफा। करप्शन केसेस की तहकीकात में नया मोड़। लीगी रहनुमा को 26 मार्च को एक और केस में तभी के परवाने मिल गए। नैब ने जाती अमरा में 1500 कनाल अराजी की मुबैना गैरकानूनी मुंतकली की तहकीकात में भी तलब कर लिया। मरियम नवाज को मतलूबा रिकॉर्ड हमरा लाने की हदायत। नैब ने मरियम नवाज को शुगर मिल केस में भी तलब कर रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। हाजिरी मुकम्मल करवाई। फासिल जज की तबीयत ठीक ना होने पर केस की समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। लीगी रहनुमाओं के दरमियान पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। माहिदे के मुताबिक अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाना मुश्किल होगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अमरीकी फौज के अफगानिस्तान से मुकम्मल अनहाला के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में बाइडन का कहना था कि माहदे के मुताबिक 1 मई तक ये मुमकिन तो है, लेकिन बहुत मुश्किल नज़र आता है। मैं इस हवाले से फैसला साजी कर रहा हूँ। वाजिया रहे कि गुज़श्ता वर्ष सदर ट्रंप के दौर में तालिबान के साथ होने वाले माहदे में 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के मुकम्मल अनहाला पर इत्तफाक किया गया था। बाइडन की सदारती इंतखाबात में मुदाखलत, रूस को नतीजे भुगतने की धमकी।
अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा कि रूसी सदर पुतिन को 2020 के अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरीकी चैनल ABC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि आप जल्द ही देख लेंगे कि रूसी सदर को अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की कीमत चुकाना पड़ेगी। ख्याल रहे कि मंगल को अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो गुज़श्ता बरस होने वाले सदारती इंतखाबात में वोटरों की राय पर असरअंदाज होने के लिए कई काविशों में मुलव्वस हैं और इसी इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दिया गया है। नाज़रीन, तो आए चलते हैं अब शोबिस की जानिब। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का चेहरा बहुत स्याह है सबा बुखारी। पाकिस्तान शोबेज़ इंडस्ट्री का नया चेहरा अदाकारा सबा बुखारी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में तो नज़र नहीं आई, तहाल आजकल वो निजी चैनल से नशर होने वाले ड्रामे दिल ना उम्मीद तो नहीं में नज़र आ रही हैं। सबा बुखारी ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर शोबेज़ में काम मिलने से कबल पेश आने वाले दुश्वारियों और काम देने के लिए बहाने खवातीन और लड़कों के साथ नाज़ेबा गुफ्तगू करने का अपना तजुर्बा बयान किया। सबा बुखारी ने गुज़श्ता रोज़ एक तवील पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की और लिखा कि जब वो शोबिज़ में काम मांगने जाती थी तो इनसे ये कहकर इनकी हौसला शिकनी की जाती थी कि तुम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि तुम इस मीडिया में आगे जा सको। इन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, सिर्फ इतना लिखा कि मुख्तलिफ डायरेक्टर्स और लोगों की जानिब से कहे गए इन जुमलों ने ना सिर्फ इन्हें अंदर से तोड़ रखा बल्कि इनके ख्वाब भी चकनाचूर कर दिए। शाहिद अफरीदी ने PSL मुलतवी करने के फैसले की मुखालफत कर दी। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी करने के फैसले की मुखालफत कर दी। लाहौर में सरवर फाउंडेशन और शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत में शाहिद अफरीदी ने कहा कि PSL में क्रिकेट बोर्ड का प्लान ही नज़र नहीं आ रहा। कोविड केस की वजह से लीग मुलतवी करना गलत था। जिनके केसेस सामने आए हैं इन्हें आइसोलेट करके लीग मुकम्मल करानी चाहिए थी। इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड ने पहले से कोई प्लान नहीं की थी, जो काबिले अफसोस है। फास्ट बॉलर हसन अली का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए ऐलान करदा कौमी वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल एक और खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। दौरा जनूबी अफ्रीका के ऐलान करदा कौमी वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल मजमू तौर पर 35 क्रिकेटर्स और ऑफिशनल्स के कोरोना टेस्ट लिए गए। 16 मार्च को करवाई गई इस टेस्टिंग में सिर्फ फास्ट बॉलर हसन अली का टेस्ट मस्बत आया है, जिसके बाद इन्हें घर में रहने की हदायत कर दी है। नाज़रीन, इसी के साथ देसी टीवी से खबरों का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी टीवी USA।